आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। हम बात करेंगे हेल्थ को लेके, जहां पे हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से जो बहुत सारे इकदाम जो हैं वो उठाए जाते हैं कि लोगों को बेहतर सहूलियात फराहम करनी है, अवेयरनेस कैंप जो का इनेकाद करना है कि किस तरह से कौन सी बीमारी के साथ किस तरह से जो है वो निपटा जाएगा। इन चीज़ों को लेके भी जो है वो सरकार की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट को जो है वो डायरेक्शंस भी होती हैं और डिपार्टमेंट इस तरह के अवेयरनेस कैंप के साथ साथ सेमिनार भी जो है वो करते हैं, तो लोगों को अवेयरनेस जो है वो ज़रूर की जाती है। लेकिन इस सब में हर डिपार्टमेंट के ऊपर एक कंट्रोल ऑफिसर जो है वो होता है, यानी कि इंचार्ज होता है। तो वो इंचार्ज की अगर कुर्सियाँ ही खाली होंगी तो मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे? जब आपके इलाके के अंदर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की कुर्सी खाली होगी तो लोगों की सुनवाई कहाँ पे होगी? नीचे डॉक्टर अगर मनमानी कर रहे हैं तो लोग किसको जाके मिलेंगे? ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की जो जिम्मेदारियाँ होती है उन जिम्मेदारियों को देखते हुए लोग ऑफिसर के पास जाते हैं, तो जब कुर्सी खाली है तो कहाँ जाएंगे? मलेरिया की बीमारी के साथ कैसे निपटना है, उसके लिए DTO की कुर्सी जो है अगर खाली होगी तो बीमारियाँ या मज़ीद जो है वो परेशानियाँ आने वाले वक्त में हो सकती है। सरकार की तरफ से वैसे भी पेशेंट को ही कर दी गई है, ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में मलेरिया की बीमारी जो है वो ज़्यादा हो सकती है, इसको लेके भी जो है वो बात कही गई है। इन चीज़ों के साथ निपटना कैसे है DTO की कुर्सी जब खाली है? अच्छा, उसके बाद अगर बात करें तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर यानी कि DTO की कुर्सी अगर आपकी खाली है तो सरकार का कहना है कि हम 2025 से कबल जो है TB को जड़ से जो है वो ख़त्म करेंगे। ये सरकार का जो है वो एक मंशूर उन्होंने अपने रखा हुआ है। तो जब आपकी कुर्सी खाली है, आपके ऑफिसर ही नहीं है, आपके पास ऑफिसर नहीं है, ज़िला के अंदर जो लोग काम करने वाले हैं वही नहीं है, उसके ज़ेरे निगरान जो ऑफिसरान के ज़ेरे निगरान लोग काम करते हैं, अगर ऑफिसर ही नहीं है तो क्या आप जो है वो काम कर पाएंगे? फिर उसके बाद राजौरी की बात करें तो आपके पास चीफ मेडिकल ऑफिसर नहीं है, यानी कि CMO की कुर्सी अब तक जो है वो खाली है, तो इसको लेके भी जो है वो कई सारे मामलात जो है वो लगातार उठ रहे हैं। और अब तो ज़राए के हवाले से हमें ये खबर मिल रही है कि जो एक ऑफिसर DC है उसको तकरीबन 5-4 जो है वो दे दिए गए हैं कि आपने CMO की कुर्सी की भी निगरानी करनी है, लुक आफ्टर करना है, काम जो है वो आपने देखना है। उसके बाद आपने जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की कुर्सी भी संभालनी है, वहाँ का काम भी जनाब आपने देखना है। DTO की बात करें तो वो कुर्सी भी आपने संभालनी है, वो काम भी जो है वो आपने करना है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सुंदरबनी की कुर्सी खाली है, वो काम भी DC ने करने हैं। ये इतने चार जो हैं वो एक शख्स को दे दिए, तो क्या वो अपने काम जो है वो वक्त तरीके से या मुकम्मल तरीके से कर पाएंगे? ये मामलात जो हैं वो लगातार उठ रहे हैं, लोगों की तरफ से भी कई बार शिकायतें की जा रही हैं, ना ही इसका सरकारी लेवल पे जो है इसकी कोई बात हो रही है, निगरानी नहीं हो रही है, तذکرہ नहीं हो रहा है, ज़िला के जो कमिश्नर हैं उनकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पे लिखित में जाना चाहिए कि हमें ऑफिसरान की ज़रूरत है, तैनात होने चाहिए। इसके ऊपर कोई जो है वो तवज्जो मुझे लगता है अब तक नहीं हो रही है, और जिसकी वजह से सरकार भी आए दिन आपको ये लुक आफ्टर के लिए जो है वो चार्ज दे दिया है, आपने ये देखना है। आपका सुंदरबनी में BMO नहीं है, आपने ये देखना है। तो लोगों के मामलात कैसे हल होंगे? ये एक बड़े तशवीशनाक मामला जो है वो सामने आ रहा है कि मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर जहां ऑफिसरान की अशद ज़रूरत है तो उसके ऊपर कम से कम जो है वो ज़िला राजौरी के अंदर मुझे लगता है कि इतनी चेयर्स खाली होना ये एक तशवीशनाक मामला है। और अब जो ज़राए के हवाले से जो कुछ लोगों की जानिब से हमें शिकायत की गई वो ये कहा गया है कि जनाब जो DC को चार्ज CMO का दिया गया है, बाकी चेयर्स का भी जो है वो उनको चार्ज दिया गया है, और वो अब जो है वो अपनी मनमानी रूड लैंग्वेज जो है वो जो मुलाजमीन छोटे हैं उनके ज़ेर निगरान हैं उनके साथ भी जो है वो बदतमीज़ी पे उतर आए हैं। यह इस तरह के मामला जो है वो अब सामने आने लगे हैं। अगर आप अपने शहर में ऑफिसरान चाहते हैं, कुर्सी कोई खाली ना हो, आपकी नुमाइंदगी हो, DTO की कुर्सी खाली ना हो, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की कुर्सी खाली ना हो, वहीं पे साथ ही DHO की कुर्सी खाली ना हो,
चीफ मेडिकल ऑफिसर की कुर्सी खाली ना हो, तो इसके लिए आपको भी इस वीडियो को शेयर करना होगा, आपने भी अपनी शिरकत जो है वो देनी होगी और सरकार को अवेयर करना होगा कि जनाब आपके जो दावे हैं कि ज़िला सतह के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं, हेल्थ को लेके जो काम कर रहे हैं, लोगों की सेहत ख़राब ना हो उसके लिए जो काम कर रहे हैं, तो आपके पास ऑफिसर ही नहीं तो काम कैसे होगा। ये बड़े अहम मामला थे, इन मामलों को देखते हुए लोगों का भी एक रोल बनता है कि वो अपनी आवाज़ को आगे कैसे बढ़ाएंगे। अगर कोई बात कर रहा है तो उसकी सपोर्ट करनी होगी, उसकी तायद करनी होगी कि बिल्कुल ये मामला है और हमारे ज़िला के अंदर अशद ज़रूरत है, इन जो चेयर्स खाली हैं उनको पुर किया जाए, उनके ऊपर ऑफिसरान को बिठाया जाए। क्या इंतज़ामिया के पास कोई ऑफिसर नहीं है इन चेयर्स के ऊपर बिठाने के लिए? अगर आपके पास ऑफिसर नहीं है तो कितने लोग बेरोज़गार हैं, उनको वहाँ पे रोज़गार फराहम कीजिए, उनको बिठाइए कुर्सी के ऊपर, काम करेंगे। तो ये चीज़ें हैं सामने आ रही है आस्ता आस्ता कि आपके पास काम करने के लिए लोग नहीं हैं, आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को आगे नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट लोगों को जो है रोज़गार देना होता है वो नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए लोगों को भी जो है वो परेशानी आ रही है। ज़िला सतह के ऊपर जो ऑफिसरान का काम होता है उसमें भी कई सारे मसाइल जो हैं वो आए दिन जो है वो लगातार बन रहे हैं, तो इसलिए ज़िला इंतज़ामिया को और साथ ही साथ में जम्मू कश्मीर सरकार को फौरी तौर पर जो है वो चीफ मेडिकल ऑफिसर की कुर्सी के ऊपर CMO को जो है वो बिठाया जाए, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर यानी कि DHO की कुर्सी को पुर किया जाए, उसमें भी जो है वो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को बिठाया जाए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस जो ऑफिसर है यानी कि DTO है उसको भी जो है वो वहाँ पर पुर किया जाए, उसके चेयर को भी जो खाली रखा हुआ है आज तक उसको जो है वो वहाँ पे एक ऑफिसर को बिठाया जाए ताकि मज़ीद आगे मामला जो है वो बेहतर हो सकें। साथ ही में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की बात करें तो आपके सुंदरबनी के इलाका में जो है वो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ही नहीं है, तो लोगों के मामला कैसे हल होंगे? ये आए दिन जो है वो परेशानियों का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है, इसलिए सरकार को जल्द से जल्द जो है वो इन कुर्सी के ऊपर जो है ऑफिसरान को बिठाना होगा ताकि लोगों के मामला जो है वो जल्द से जल्द हल हों।